नमस्कार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम आपने थंबनेल पे एकदम ठीक पढ़ा है सात स्ट्रैटेजी दूंगा सेल्स की एक दो तीन चार सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप होगा इनको फॉलो करना गेम चेंजर है लेकिन उससे पहले दो न्यूज पहली न्यूज एवरीथिंग अबाउट ऑन्ट्रप्रन्यरशिप को अब फेयरवेल दे दिया गया इस पंद्रह अगस्त को अब समाप्त हो गया है हा? मेरे कहने से भी नहीं मिलेगा अब तो नहीं मिलेगा लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी सवा दो साल चला एवरीथिंग अबाउट ऑन्टरप्रन्यरशिप बहुत व्यापारियों ने लिया बहुत आनंद आया हमारे कॉन्टेंट का कोई मुकाबला नहीं है लेकिन अब ये गुड न्यूज है बिजनेस की सभी समस्याओं को लग जाएगा विराम क्योंकि लॉन्च हो गया बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम यही संपूर्ण हुआ पछताना छोड़ दो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम आ गया है सारी समस्याएं यहां मोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है अब बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है क्या ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने सारे कॉम्पिटिशन को ध्वस्त कर दिया है एकदम खत्म कर दिया कोई बचा नहीं है कुछ नहीं बचा पूछिए क्यों क्योंकि लाखों रुपए की कोचिंग को लाखों रुपए की कोचिंग को हमने अफोर्डेबल किया इस बार और अभी पांच हजार लोगों को हम ये आठ सौ रुपए महीने के आसपास दे रहे हैं मतलब दो साल का लगभग बाईस तेईस हजार रुपए के आसपास है आठ सौ रुपए के आसपास महीने का और ये इसमें आपको पर्सनल कोच देंगे आपको दो साल का बोल रहे हैं पैसा ये महीने का आठ सौ रुपया बोल रहे हैं आपको पर्सनल कोचिंग बिलेनियर ट्रेनर्स हैं और सर्टिफाइड कोचेस हैं ये तो कोई कर ही नहीं सकता ना इस प्राइस पे दुनिया में नहीं कोई कर सकता कोई भी कर दे तो बता देना आपको उसके बारे में बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में और बताऊंगा कुछ पांच हजार लोग के लिए हमने दोबारा स्कीम निकाली है आप बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके पता करिए अभी शुरू करते हैं सेवन सेल्स की स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप रेफरल एंट्री करो क्या एंट्री करो रेफरल एंट्री क्या होता है आप कभी कभी किसी के पास जाते हो भैया मेरा माल खरीद लो जाते हो तो वो क्या कहता है नहीं खरीदूंगा क्या कहता है नहीं खरीदूंगा कोई बात नहीं उसको जबरदस्ती मत करो उसको बोलो भाई तू नहीं लेगा तो कोई बात नहीं पांच लोगों का नाम बता रहे जो ले लेगा है कि नहीं है? उसको लगता है आसानी से टल गया भैया पैसे नहीं लेके जाएगा नाम ही लेके जाए ले नाम ले ले पाँच की जगह दस का ले जाता कोई बात नहीं इसको मिल ले इसको मिल ले इसको मिल ले एंट्री और जब आप बोलोगे अरे बंसल जी गुप्ता जी ने आपका नंबर दिया था जरा मिलने आ रहे हैं आपसे तो गुप्ता जी ने नंबर दिया था कौन से गुप्ता अरे वही गुप्ता जी जो है थोड़े हेल्दी से आपसे बहुत उनकी दोस्ती है आइए आइए आप रेफरल के थ्रू वहां पहुंच सकते हैं आसानी से मेरी बात समझ रहे लाउडली यस yes. देखो एक बात समझो जब आप सौ लोगों से मिलोगे पिचानवे मना कर देंगे कितने मना करेंगे पिचानवे पांच आपसे खरीदेंगे पर वो जो पिचानवे है हा? आपको जो नब्बे लोगों ने पिचानवे लोगों ने मना किया वो अगर पांच पांच लोगों और दे रहे साढ़े चार सौ नई एंट्री मिल जाएंगे आपको आयुर्वेद मिलाउडली एस्नो उल्टा हो जाएगा फनल इतने से लोगों से मिले रेफरल मिल मिलकर मिल मिलकर मिल फनल का साइज बड़ा होता चला जाएगा इसीलिए रिवर्स कर दो प्रोस्पेक्टिंग फनल को आप जब दो, दोस्त का नाम लेके जाते हो किसी का नाम लेके किसी के पास जाते हो आपको दिक्कत नहीं आती है प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करता है आपको ट्रस्ट मिलता है कभी कभार रिटर्न रेफरल भी आपको मिल जाता है और सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट अगर वो खरीद लेता है और सेटिस्फाइड है और वो खुद ही फोन करके ले लो भैया बहुत बढ़िया है बात बन जाती है समथिंग इन कॉमन ढूंढो, दूसरी स्ट्रैटेजी आइस ब्रेकर क्रिएट करो आइस ब्रेकर हाँ कुछ कॉमन ढूंढो उनके बीच में आ, आपके बीच में क्या चीज़ कॉमन है क्योंकि ना ऐसा है लोगों का कहना है कि एक होता है कन्फर्मेशन बायस लोग उनके साथ में इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो उनके बिलीफ के साथ में मैच कर जाते हो तो वो ज़्यादा आसानी से सुनना चाहते हैं आप देखो आपके बीच में कॉमन कोई इंटरेस्ट है कोई कॉलेज है कोई स्कूल है कोई पॉलिटिकल पार्टी है कोई धर्म है कोई स्पोर्ट्स क्लब है कोई ऑथर है कोई बिज़नेस है क्या चीज़ है जो आपके बीच में कॉमन है और जाके आप उसकी तारीफ़ करें मैं भी तो विवेक बिंद्रा जी की वीडियो अरे बहुत कमाल के वीडियो क्योंकि वो देखते हैं तो आपने बोला कॉमन ग्राउंड निकला है किसी का कुछ कॉमन निकला था किसी का कोई स्पोर्ट्स क्लब अरे मैं भी सेंट जेवियर्स का पढ़ा पढ़ाऊँ आप भी जेवियर्स से हैं तो अगर थोड़ा ईस्टर्न रीजन का है तो डायलेक्ट अगर कॉमन हो है नहीं है हा? थोड़ा बिहार पटना की तरफ से हो तो वहां के जेवियर को जेवियर नहीं जेबियर बोलते हम भी जेबियर से पढ़े अगर आपका टोन कॉमन है तो कितना मिठासा अरे आप अपना ही आदमी है ये कुछ गलत नहीं करेगा मेरे साथ में तो कुछ कॉमन ढूंढो उनके साथ में है कि नहीं ट्राई टू लर्न समथिंग दैट यू हैव कॉमन वहाँ से बात बन जाती है आपकी कम्युनिटी कॉमन में बहुत कुछ कॉमन मिल जाता है बनिया समाज जैन समाज धर्म जाति डॉक्टर टीचर बिजनेस स्टूडेंट सब कम्युनिटी है प्रोफेशन पर होती है हर चीज़ पर कम्युनिटी होती है डोंट जस्ट फोकस ऑन वट पीपल आर इंटरेस्टेड इन बिकम वट पीपल आर इंटरेस्टेड इन बिकम वट पीपल आर इंटरेस्टेड इन बिकम हाँ? वो जिसमें इंटरेस्टेड है वो बनने की कोशिश करो वो आप में इंटरेस्ट अपने आप ले लेगा है कि नहीं है जैसे बड़ा बिजनेस को वो और सोलो पर आंतरपोनी और बहुत पसंद करते हैं ये भी कम्युनिटी है अच्छे अच्छों की बीच जाती है उम्र यू ही नहीं मिल जाते हैं कस्टमर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है अगली स्ट्रैटेजी पास फ्रेमवर्क पकड़ना है क्या पकड़ना है पास पास में पी मतलब प्रॉब्लम पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ो क्या पकड़ो जब कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताए ये प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को थोड़ा विजुअल करो उस प्रॉब्लम के दर्द को थोड़ा बड़ा करके देखो और उसको भी बड़ा कराओ हाँ वो बोलता है मेरे इम्प्लॉयी ने इतना परेशान कर रखा है भाई साहब कोई काम नहीं करते हैं इतना दुखी कर रखा है शाम को जल्दी निकल जाते सुबह लेट आते भैया बहुत परेशान तो अब उस पेन को और समझो पेन को और समझो उनसे पूछो इस परेशानी का क्या नुकसान हो रहा है अरे मत पूछिए भैया बहुत नुकसान हो रहा है नहीं, नहीं क्या नुकसान क्या है अरे हमको दस टन माल बनाना था चार टन नहीं बना इस महीना पूरा महीना निकल गया इज इट ये तो बहुत बड़ा नुकसान है तो दस की जगह चार टन हुआ तो उससे क्या नुकसान है? नुकसान क्या है पैसा नहीं आया इस महीना खर्चा चालू बिजली का बिल चालू तनख्वाह चालू सब चालू किराया चालू हम बहुत परेशान ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो इसके कारण फिर तो काफी परेशानी आ जाएंगी आपको क्या लगता है क्या होगा क्या बताएं क्या और कर्जा लेंगे और कर्जे पे इंटरेस्ट आएगा मार्जिन खत्म तो वो प्रॉब्लम बता रहा है प्रॉब्लम को और बड़ा करा रहे हो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो इससे और क्या प्रॉब्लम होगा इससे और क्या तकलीफ होगा उस प्रॉब्लम के साइज़ को समझो प्रॉब्लम के शेप को पहचानो प्रॉब्लम को रंग दो रूप दो ताकि वो महसूस करे अरे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जब वो प्रॉब्लम जब हो गया समझ गया वो तो उस प्रॉब्लम पे हो सके तो थोड़ा नमक डाल दो एजिटेट पास में पी ए ए मतलब एजिटेट थोड़ा और नमक डाल दो भैया अगर यह प्रॉब्लम छह महीना नहीं सुलझी तो क्या होगा छ महीना नहीं सुलझी तो बस कुछ नहीं है जी मटके में मिलेंगे हरिद्वार में तो वो सब वो, वो और बड़ी प्रॉब्लम देखने लगी उसको तो पास प्रॉब्लम एजिटेशन और अब आता है सल्यूशन एस अब आप उसको सोल्यूशन दीजिए वो तुरंत ले लेगा आपका सोल्यूशन चोट पे एक बाम की तरह होगा आपकी पोजिशनिंग ऐसे करो आपने उसके इमोशनल पेन पॉइंट का टेक केयर किया इसको बोलते हैं पास फ्रेमवर्क ये थोड़ी समझदारी के साथ करना चाहिए इसमें हमें चलाक ही नहीं समझदारी चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूँ चलाक बन के किसी को लूट लो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ समझदारी से आप उसकी समस्या को समझो और समस्या कैलकुलेट करने दो कि कितनी ज्यादा बड़ी है और जब वो बड़ी समस्या को पहचान पाएगा समझ पाएगा तो आपके सोल्यूशन को तुरंत ले पाएगा पीपल डोंट बाय वाइटमिन दे बाय हेल्थ लोग बाइटमिन नहीं खरीदते लोगों को हेल्थ चाहिए है इसलिए वाइटमिन मत उनको health बेचो उनका हेल्थ बेचो हाँ मेक इट अबाउट डेम उनके बारे में बात करो जस्ट लाइक यू डोंट लाइक लिसनिंग टू अ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड मोनोपोलाइज कॉन्वर्जेशन कई लोगों की आदत होती है वो हर बात में अपनी तारीफ करते हैं हाँ उनकी लिस्निंग भी ऑटोबायोग्राफिकल तो होती है जब आप उनको बोलो अरे मैंने बहुत मेहनत करी तो क्या बोलेंगे तूने क्या मेहनत करी जो मैंने करी थी है कि नहीं आप उन्हें बोलो अरे बहुत बारिश से आया बहुत परेशान तू क्या बारिश से आया जो एक बार मैं बारिश से आया था अब आप, आप वो आपसे बात करेगा अरे भैया मैं बहुत थक गया तू क्या थका है जो मैं थका था आप उसे कुछ भी बोलो वो अपने बारे में सोच रहा होता है अरे भाई सामने वाले की बात करनी है अपनी बात नहीं करनी है आपको सेल्स पर्सन सामने वाले को बोलने देता है तो उसके बाद वो उस समझता है सो so, उससे फिर क्या होगा uh, आप वॉट इज द रेलिवेंस टू दिस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट इस

जो कस्टमर की नीड को समझे हाँ, हाँ तो आगे चलते हैं जी आई एम ऑन योर साइड क्या बोलो भाई साहब मैं तो आपके साथ हूं <laughs> मैं तो आपके साथ हूं। ना ना मैं तो आपके साथ हूं देखो तो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे मैं तो आपकी तरफ हूं कमल मैं तो आपकी तरफ आपकी तरफ हूं सेल्स पर्सन क्या करता है अगर कस्टमर के साथ उसकी बहस हो जाने सस्ता करो सस्ता करो वो नहीं कर सकता लेकिन हाँ मैं एक काम करता हूँ मैं मैनेजमेंट से लड़के आता हूँ आपके लिए मुझको जरा पंद्रह मिनट दो आप यहां बैठो अंदर हमारे बॉस बैठे हैं मैं जरा उनको समझा के आता हूँ और वो जाता है और पंद्रह मिनट दूसरे कमरे में लगा के आता है फिर आता है थका हुआ आता है लेकिन मुस्कुराता है कहता है आपकी डील बन गई आपकी डील बन गई उसको लगता रही है तो हमारा आदमी कंपनी का नहीं है ये हमारे हिसाब से चल रहा है जिस दिन कस्टमर को ये फील हो जाए आई एम ऑन योर साइड बात बन जाएगी भैया अगला है बिकॉज जस्टिफिकेशन ये एक नया तरीका है कौन सा बिकॉज जस्टिफिकेशन इसको बोलते हैं क्योंकि टेक्निक कौन सी की टेक्निक।, टेक्निक है जी सामने वाले को एक रीजन दे दो तो वो बात को मानने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप सामने वाले को बड़ा रीजन देते हो क्योंकि लगा देते हो बीच में क्या लगाते हो क्योंकि क्योंकि टेक्निक बोलते हैं इसको बिकॉज जस्टिफिकेशन क्योंकि टेक्निक तो चांसेज कि बात मान जाएगा जैसे आप एयरपोर्ट पे खड़े हो और आपको जल्दी से अंदर जाना लंबी लाइन है कोई जाने नहीं देगा आपको आप उन्हें बोलो एक्सक्यूज मी बिकॉज आई हैव ओनली फिफ्टी मिनट्स लेफ्ट और पैंतालीस मिनट में बोर्डिंग बंद हो जाएगी मे हाव प्लीज क्रॉस द लाइन तो आपको आगे जाने देंगे यस yes, यस no? yes, yes. क्योंकि आपने क्या बोला बिकॉज आई हैव ओनली फिफ्टी मिनट लेफ्ट आपने क्योंकि लगा करके एक रीजन दे दिया क्योंकि लगा के दे आप वैसे जाके बोलो भाई साहब मैं आगे निकल जाऊं क्यों आगे निकल जाऊं नहीं जाने दो जाने दो <laughs> नहीं मैं प्लीज प्लीज <laughs> तो क्या आदमी जब गुस्से में होता तो आपकी बात रिपीट करता घर की माए भी ऐसी करती थी ना मैं दो रोटी से ज़्यादा नहीं खाऊंगा दो रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा ये तो गुस्से में आदमी रिपीट करता है लेकिन आपको क्या करना है जब किसी को बात मनानी हो तो क्यों की टेक्निक लगाओ क्या लगाओ जब बिग बाजार में लंबी लाइन में खड़े हो ना तो आप आपको अगर आगे जाना है तो आप कई लोग क्या बोलते हैं भाई साहब क्योंकि मेरे पास तो केवल दो ही आइटम है और बहुत जल्दी में हूँ बच्चा वेट कर रहा है मैं चले जाऊँ क्या तो क्योंकि लगा दिया उसने और रीजन दे दिया चांसेस हैं लोग बात मान जाएंगे है चांसेस हैं लोग बात मान जाएंगे जैसे आप किसी कस्टमर के पास जाते हो और उसे कहते हो मुझे मालूम है कि आप इस प्रोडक्ट का डेमो जरूर देखना चाहोगे क्योंकि इसकी बाय वन गेट वन फ्री ऑफर आज शाम को ही खत्म हो रही है तो जैसे ही आपने क्योंकि लगा के एक स्ट्रांग रीजन दे दिया तो वो कहेगा अच्छा हाँ डेमो तो देखना चाहूंगा जी है कि नहीं है हाँ आप जैसे जाके कस्टमर को बोलो आ, मुझे मालूम है कि आप इस प्रोडक्ट में जरूर इंटरेस्ट लोगे क्योंकि आपके सारे कॉम्पिटिटर इसे यूज कर रहे हैं ओ तो अपने क्योंकि... अगर आप ऐसे जाके बोलो कि मुझे मालूम है आप प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लोगे क्यों लूंगा बे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लोगे नहीं लेगा वो लेकिन आपने क्योंकि लगा के स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया बाबा इसको बोलते हैं क्योंकि टेक्निक कौन सी टेक्निक टेक्निक नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर बट नेवर फियर टू नेगोशिएट है कि नहीं जब जरूरत पड़े तो करना भी चाहिए एक और टेक्निक आपको बताते हैं इसको बोलते हैं बीवाई एफ टेक्निक कौन सी टेक्निक, टेक्निक। ये बड़ी अच्छी है बी वाई एफ. कभी सुना है कहीं पर नहीं, नहीं। तो बट यू आर फ्री बी बट वाई यू ए आर एफ फ्री बट यू आर फ्री, यू आर फ्री. मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं बट यू आर फ्री टू नॉट टू बाय द प्रोडक्ट ऑल्सो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब मैं आपको बहुत बढ़िया मोबाइल देना चाहता हूँ ये मेरा मोबाइल देखो बहुत अ... मैं आपको ये मोबाइल आपको दिखाना चाहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है आपको खरीदना है आप खाली देख लीजिए जैसे ही आप बोल देते हो कि कोई ज़रूरी नहीं है आपको खरीदना है यू आर फ्री नॉट टू बाय बट यू आर फ्री जैसे ही आप ये बोल देते हो तो उसको लगता है डिसीजन मैं ले रहा हूँ आई एम फ्री नॉट टू बाय क्योंकि कारण क्या है पीपल हेट बींग टोल्ड वॉट टू डू अगर आप उन्हें बोलो कि ये खरीद लो लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको आके बताए कि ये करो ये खरीद लो ये खरीद लो ये खरीद लो खरीद ये पसंद नहीं आता आपकी मर्जी आप चाहे तो ले चाहे ना भी लें आप देख सकते हैं इसको उससे सामने वाले को लगता है अच्छा मैं डिसाइड करूँगा ये नहीं बोल रहा खरीदने को मुझे लाओ दिखाओ फिर ठीक है जी हाँ सर so, अगर आप उनकी चॉइस को लिमिट कर दो और बोलो खरीद लो तो so, लोगों का जो रिएक्शन होता है वो क्लोज माइंड होता है लेकिन अगर आप उनको ऑप्शन दे दो कि भाई बट यूर फ्रीद तो उनको लग, वो ओपन माइंड हो जाते हैं ये कोई जबरदस्ती नहीं करेगा मुझसे चलो दिखाओ नेगोशिएशन मींस गेटिंग द बेस्ट ऑफ योर ओपोनेंट विदाउट मेकिंग हिम रियलाइज कस्टमर को पता भी नहीं चलता और वो आपका पार्टनर बन जाता है वो आपका पार्टनर बन जाता है सेल्स की क्लोजिंग कैसे की जाए सेल्स की क्लोजिंग करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है क्वालिटी क्लोज अप्रोच बोलते हैं क्वालिटी अप्रोच प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना डिटेल में समझाओ इतना डिटेल में मैं कश्मीर गया था और कश्मीर में वहां जो है ना रस्ते में कारपेट बेचने वालों को शोरूम आते हैं तो कश्मीरी कारपेट होते हैं अच्छा बिठा के कारपेट की इतनी डिटेल में समझा रहे थे कि ये मशीन से नहीं बनते भाईजान आप भाईजान मशीन से नहीं बनते हैं ओके भाईजान में इतनी गहरा भाईजान तो मैं भी ध्यान से सुन रहा अच्छा मशीन से नहीं बनते हाथ से बनते हैं हाँ और फिर जब उसने बताया कि हाथ से कैसे बनते हैं कितने कारीगर लगते हैं उतना डिटेल में क्वालिटी सा हमको भी लगने लगा अच्छा है कारपेट है जी लेकिन एक्चुअली मशीन का कारपेट अच्छा होता है लेकिन उसके बाद फिर के लगा कि मशीन का कारपेट तो मतलब जैसे कूड़ा हो गया है जी कारपेट तो इसी का अच्छा है अच्छा वो महंगा भी दे क्योंकि बताने का एक्सपीरियंस को बोलते हैं आर्टिस्टिक अप्रोच आर्टिजन आर्टिजन मतलब कि किसी की कला है इसके अंदर वो कला को एक्सप्रेस कला की कीमत नहीं होती भाईजान बात ठीक कह रहा भाई तो उस चक्कर आप आपको समझना है कि आप explain कैसे करते हो क्वालिटी क्लोज क्या बोलते हैं क्वालिटी की गहराई में उतर जाओ आर्टिजन क्लोज अप्रोच है इसके छुपी हुई आर्ट क्या है आ? अगला है ओनरशिप क्लोज अप्रोच ओनरशिप का मतलब क्या होगा जो सेलर है ना वो ऐसे बोलेगा भाई साहब ये एवरीथिंग अबाउट ऑन्टरप्रन्य मैंने खुद यूज किया है तब तक नहीं बेचा मैं खुद इसका ओनर मैंने खुद यूज किया है और रोज सुबह पाँच से छ एक घंटा डायरी पेन लेके बैठता हूं बेटे को साथ में बैठाता हूं स्कूल जाने से पहले उसके रोज एक घंटा मैं खुद यूज कर रहा हूं भाई साहब तब जाकर के मैं दे रहा हूं आपको और पहले मुझे भी नहीं लगता था क्या होगा ये क्या है ये बहुत हम तो पहले से ही ट्रेन है बनिए को कौन सिखाएगा मारवाड़ी को कौन सिखाएगा आज भाई साहब मैं भी ऐसा फील करता था जब से यूज करा आई फेल्ट एन फाउंड दैट दिस इज आउटस्टैंडिंग इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड क्या बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बोला कि मैं खुद यूज कर रहा हूँ और इससे आप सजेशन क्लोज अप्रोच में आपकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ इसमें अथॉरिटी आती आपकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं ये सजेशन देना चाहता ये सजेशन देना चाहता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ सजेशन सामने अरे सारी बात समझ के सजेशन दे रहा है ठीक ही बोल रहा होगा जी क्योंकि आपने वहां पर ओनरशिप और सजेशन का अप्रोच लिया इट वर्क्स इट वर्क्स वेरी वेरी वेल डाउन डाउन टाइमर आपने देखा अब आपके लिए गुड न्यूज क्या है दोबारा समझ लेते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने कुछ शुरुआत में बताया एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट ये एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने इसको बनाया ये गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है इसमें मैंने बेसिकली नौ महीने लगाए नौ महीने दिन रात हमारी टॉप लीडरशिप हमारे यहाँ टॉप लीडरशिप मतलब सब टॉप कॉर्पोरेट के टॉप लीडर्स हमने लेकर के आए हैं बड़ा बिजनेस में एक हमारे जो कैटेगरी टीम है है जिसने मिलकर के इसको बनाया है। आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं इतना सस्ता कर दिया आप सोच भी नहीं सकते शॉपकीपर अपना पर्सनल बिजनेस कोच ये दुनिया में कभी सोचा नहीं गया था सुनो फिर से बोल रहा हूं ये दुनिया में कभी सोचा नहीं गया था कि एक दुकानदार अपना पर्सनल बिजनेस कोच कभी रख पाएगा एक पनवाड़ी अपना पर्सनल बिजनेस कोच रख प्रेस वाला पर्सनल बिजनेस कोच ऑटो चलाने वाला पर्सनल बिजनेस कोच रख पाए एक आम आदमी एक बिजनेसमैन स्मॉल मीडियम बिजनेस बहुत सारे खड़े करेंगे जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी देश में यहीं से प्रोग्रेशन आएगा रीडिंग मटेरियल असेसमेंट हैंड होल्डिंग सर्टिफाइड कोचेज बिलियनियर ट्रेनर्स चैट ऑप्शन सब कुछ हम दे रहे हैं आपको बदल जाएगी आपके बिजनेस के प्रति सोच जब बड़ा बिजनेस देगा आपको पर्सनल बिजनेस कोच हाँ पर्सनल बिजनेस कोच पांच हजार लोगों के लिए आपको बोर्डलाइन नंबर पर फोन करना है पांच पहले पांच में आने के लिए आपको क्या करना होगा आपके दिए गए सामने नंबर पे कॉल करना होगा मात्र पाँच हजार लोग ही बीसीपी का फायदा उठा पाएंगे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का फायदा उठा पाएंगे बाकी लोग बचपन का प्यार गाते रह जाएंगे बिजनेस की सारी समस्याओं को लगेगा विराम क्योंकि क्या लॉन्च हुआ है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस कोचिंग ट्रेनिंग के साथ कोचिंग भी दे रहे हैं यानी कि वन टू वन कोई आदमी है आपके लिए जो आपकी हर तकलीफ का ध्यान रखने के लिए आपके साथ हर समय चैट पे कॉल पे अवेलेबल रहने के लिए सोचना वोचना छोड़ दीजिए भूल जाइए सारी चिंता आज जैसे ही आप बीसीपी ज्वाइन करेंगे बनेंगे बिजनेस के सरताज कंगन को चाहिए सुंदर सी कलाई बीसीपी से होगी बिजनेस में कमाई बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को आपको समझना पड़ेगा ये क्या है कॉल कर लीजिए इसको समझ लीजिए पहले पहले आप फोन पर समझ लीजिए मैं यहाँ यूट्यूब पर बहुत ज्यादा नहीं बताऊँगा आज मैं सेवन सेल स्ट्रैटेजी देने आया था आप कॉल करके खुद समझ लीजिए यार पर्सनल बिजनेस कोच एक आम आदमी को मिल सकता है क्या ये कैसे कर दिया बिंद्रा जी ने ये कैसे पॉसिबल हो गया अरे तो हो ही नहीं सकता था ये दुनिया में किसी ने नहीं किया इन्होंने कैसे कर दिया बड़ा बिजनेस ने बड़ा बिजनेस है ये दुनिया में हमारी जैसी ऑर्गेनाइज कॉम्पिटेटिव लैंड के बदलना आदत है हमारी अपने कंज्यूमर के लिए लड़ना आदत है हमारी बोर्डलाइन नंबर पर फोन करके पता लगाइए वीडियो शेयर करिए पिता को या पुत्र को मित्र को या किसी अड़ोसी पड़ोसी को जिसको मदद हो सकती है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स में आज की चर्चा मैं आपसे आके करूँगा आप, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद